हेलो दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो में हम आपको सपा प्रमुख अखिलेश यादव की संपत्ति के बारे में बताते हैं, यानी कि ये बताते हैं कि अखिलेश यादव कितने अमीर हैं, उनके पास कुल कितनी प्रॉपर्टी है। लोकसभा इलेक्शन 2024 में वो चुनाव लड़ सकते हैं, वो कन्नौज सीट से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव फिलहाल करहल सीट से विधायक हैं। अखिलेश यादव के पास तकरीबन 40 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव 2024 में कन्नौज सीट से अपनी किस्मत आजमाएंगे। फिलहाल वो करहल से विधायक है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सबसे कद्दावर और अमीर नेताओं में शामिल हैं। वो लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति का हिस्सा रहे हैं और राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। चलिए उनकी संपत्ति के बारे में विस्तार से बताते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश के हलफनामे के अनुसार उनके पास कुल 40 करोड़ 14 लाख की संपत्ति है। उनके ऊपर 43 लाख से ज़्यादा देनदारी है। उन्होंने 2020-21 में अपने इनकम टैक्स रिटर्न में 83 लाख से ज़्यादा की आय दिखाई थी। अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव भी कमाई के मामले में उनसे ज़्यादा पीछे नहीं है। साल 2020-21 में डिंपल ने अपने इनकम टैक्स में सालाना कमाई लगभग 59 लाख दिखाई थी। साल 2019 में अखिलेश के पास 1,69,000 रुपये कैश थे। पत्नी डिंपल के पास 3,32,000 रुपये। इसके अलावा इन दोनों के बैंक खाते में कुल 8,25,00,000 रुपये थे। अखिलेश यादव के नाम पर कुल 7 बैंक खाते हैं। डिंपल यादव के नाम पर 12 बैंक खाते हैं। एक खाता उनके बच्चे के नाम पर है। इस खाते में 10,00,000 रुपये से ज़्यादा की रकम 2019 में जमा थी। अखिलेश के पास 7 करोड़ से ज़्यादा की कृषि योग्य जमीन है। इटावा में 21 लाख का प्लॉट है। इसके अलावा 4 करोड़ की व्यवसायिक इमारत और 5 करोड़ का घर है। उनकी एक्सरसाइज मशीन की कीमत 5,34,000 रुपये है। अखिलेश और उनकी पत्नी डिंपल के पास कोई वाहन नहीं है। अखिलेश के पास कोई गहना भी नहीं है। हालांकि डिंपल के पास 59 लाख से ज़्यादा के गहने और जेवर हैं। चलिए इसी वीडियो में आपको हम अखिलेश यादव से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट के बारे में बताते हैं। यूपी के पूर्व सीएम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव देश दुनिया में जाने जाते हैं। अक्सर वो अपने बयानों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन खास तौर पर अखिलेश की टेढ़ी नाक आए दिन लोगों के बीच चर्चा की विषय बन जाती है। कई लोगों के मन में अक्सर अखिलेश को लेकर एक सवाल रहता है कि आखिर उनकी नाक टेढ़ी क्यों है। आज हम आपको इस वीडियो में इस सवाल का जवाब भी देते हैं कि क्या है अखिलेश यादव की टेढ़ी नाक के पीछे का मजेदार किस्सा। अगर आपने कभी गौर किया होगा तो अखिलेश यादव के स्वर्गवासी पिता पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की नाक भी टेढ़ी है। साथ ही अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव की नाक भी टेढ़ी है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अखिलेश की टेढ़ी नाक होने के पीछे वंशानुगत कारण है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में अपनी नाक टेढ़ी होने की वजह कुछ और बताई थी। दरअसल अखिलेश ने उस इंटरव्यू में कहा था कि उनके नाक टेढ़ी होने की वजह फुटबॉल है। उन्होंने कहा कि खेलते वक्त उनके नाक में फुटबॉल लग गई थी, इस हादसे के बाद से उनकी नाक टेढ़ी हो गई थी। उन्होंने आगे कहा कि नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव मेरी नाक ठीक कराने के लिए डॉक्टर कक्कड़ के पास लेकर गए। जब कक्कड़ साहब ने मेरी नाक देखी तो उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है, तो मैंने कहा हाँ हो गई है। इस पर उन्होंने कहा कि अब नाक ठीक कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसके बाद मैंने नाक ठीक नहीं कराई।